का जो रेमेडी है वो वन डे चैलेंज है डार्क बॉडी स्किन को लाइटन करने के लिए। सबसे पहला रेमेडी होगा फिट वाइटनिंग। विंटर में फिट की डार्कनेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और इस डार्कनेस को इंस्टेंट डोर करने के लिए आपको लेना होगा एक बहुत ही खास इंग्रेडिएंट्स जो है इनो। तो सबसे पहले पैरों के ऊपर ऐसे कॉफी लेना है एक चम्मच, फिर उसके ऊपर एक एक करके टर्मरिक पाउडर, हाफ लेमन जूस और उसके ही साथ ही लेना है लास्ट में एक पैकेट इनो जो कि इस रेमेडी की हीरो इंग्रेडिएंट्स है। अब कॉफी, टर्मरिक, लेमन जूस ये तीनों चीज तो बहुत इफेक्टिव है पर इसमें इनो और भी अमेजिंग रिजल्ट देगा। इनो में एसिडिक कंटेंट रहता है जो कि हेल्प करेगा पैरों के डार्कनेस को इजीली रिमूव करने में। तो सारी चीजों के साथ देखो ऐसे मैं अपने पैरों को रगड़ कर स्क्रब कर रही हूँ। आपको भी बिल्कुल ऐसे रगड़ना है अपने पैरों को। ऐसे 10 मिनट तक हमें पैरों को अच्छे से रगड़ने के बाद फिर आप जब पैरों को पानी से क्लीन करोगे तब देखना कितनी आसानी से ये पैरों में जमी हुई डार्कनेस, टैनिंग या फिर सालों साल जमी हुई धूल मिट्टी को कैसे रिमूव कर देती है। और फिर देखना पैरों की स्किन ब्राइटन होकर एकदम चमकने लगेगा। तो ये तो गई पैरों के डार्कनेस को रिमूव करने के तरीका, अब बारी है पूरे बॉडी स्किन को कैसे चमकाए। दोस्तों प्रॉपर केयर ना लेने के वजह से अक्सर क्या होता है हमारे बॉडी स्किन धीरे धीरे डार्क हो जाती है, इसीलिए फेस और बॉडी स्किन के कम्प्लेक्शन में हमेशा बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती है। पर इसके लिए दो बहुत सिंपल स्टेप है जिससे आप बस एक ही दिन में अपने बॉडी स्किन को मोतियों की तरह चमका सकते हो। इसके लिए आपको लेना है ऐसे कच्चा हल्दी को जो कि आपको वेजिटेबल शॉप में बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब इसे पील ऑफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे कट करके पीस लेना है। अब नेक्स्ट एक पैन में आपको लेना है हाफ कप कोकोनट ऑयल और फिर इसमें पीसी हुई हल्दी को भी डाल देना है और इसे डालकर 5 मिनट तक आपको पकाना होगा। ऐसे 5 मिनट होने के बाद आप देखोगे तेल का कलर चेंज होकर तेल में हल्दी का कलर आ चुका है। अब लास्ट में 4 से 5 तुलसी के पत्ते को लेना है और उसे फिर तेल में डालकर मिक्स कर देना है और फिर ये रेडी हो जाएगा हमारा बॉडी ब्राइटनिंग के लिए ऑयल क्लींजर। और इस तेल की सबसे खास बात है इसको बनाकर घर पर 1 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। अब हल्का गर्म रहते हुए इनसे अपने हाथ और पैरों को यानी कि पूरे बॉडी स्किन को अच्छे से मसाज करते रहो। इस ऑयल क्लींजिंग मेथड से क्या होता है हमारे बॉडी स्किन के ऊपर जो धूल मिट्टी और टैनिंग का परत रह जाता है वो इजीली रिमूव होने में हेल्प होती है। जब हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हमें करना होगा बॉडी को एक्सफोलिएटिंग और जिसके लिए हमें बनाना होगा एक स्क्रब प्लस बॉडी ब्राइटनिंग पैक। इसे बनाना बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको एक ब्लेंडर में हाफ कप चावल, हाफ कप चना डाल, साथ में 1 चम्मच हल्दी, हाफ पोटैटो, 2 चम्मच खट्टा दही और लास्ट में हाफ लेमन को ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाल देना है और फिर इन सारी चीजों को एक साथ अच्छे से ब्लेंड करके इनका पेस्ट बना लेना है और पेस्ट बनने के बाद ये रेडी हो जाएगा हमारा बॉडी ब्राइटनिंग स्क्रब प्लस पैक। अब इस स्क्रब को लेकर अपने हाथ, पैर, गर्दन, पीठ यानी कि पूरे बॉडी को अच्छे से स्क्रब करना होगा। स्क्रबिंग के टाइम बॉडी के जहाँ जहाँ पर डार्कनिंग थोड़ा सा ज्यादा हो वहाँ पर आपको ज्यादा स्क्रब करना होगा। इससे आसान होगा उस पर्टिकुलर एरिया की डार्कनेस को रिमूव होने में। स्क्रबिंग हो जाने के बाद गुनगुने पानी से अपने हाथ और पैरों को अच्छे से वॉश कर लो। आप चाहो तो नहा भी सकते हो और फिर देखना आपके जो बॉडी स्किन है वो कैसे चमकने लगता है। और लास्ट में मैं ऐसे अपने पूरे बॉडी पर बॉडी लोशन लगा लेती हूँ। आप भी जरूर बॉडी को मॉइस्चराइज करना, इससे देखना आपके जो बॉडी स्किन है वो और भी ज्यादा ग्लो करने लगेगा। और हाँ दोस्तों इस ट्रीटमेंट को छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक मतलब हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और सभी फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें ताकि इससे सबकी हेल्प हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना।